गेल का पाइपलाइन जाना है, यहाँ से दुर्गापुर तक लाइन जाना है, और इसमें यहाँ पे कुछ ग्रामीणों लोगों का विरोध था। उनका कहना था कि दूसरे रूट से पाइप को भेजा जाए, रूट पाइप को ले जाया जाए। तो उसके बाद हम लोग ने कई राउंड से ग्रामीणों से बात की, और गेल की टेक्निकल टीम भी आई यहाँ पे, सर्वे वगैरह की, और जो सबसे सुटेबल रूट है उस रूट से अब हम लोग काम चालू करवा रहे हैं, ताकि एक जाए और सभी के घर घर पे गैस के माध्यम से हम लोग कनेक्शन दे सकें। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि फरवरी माह में हम लोग सीएम साहब के पास आवेदन लेके गए थे, उन्होंने इस काम को बंद करा दिया था और कहा था कि गांव के बाहर से ये पाइपलाइन जाए। जी, वहाँ से आया था कि पुनः एक बार इसका रिव्यू किया जाए, जिसके उसके उपरांत एक टीम भी गठित हुई थी जिला स्तरीय, और जिला स्तरीय ने भी टीम गठन के उपरांत यही दिया कि सबसे सुटेबल रूट यही है, जिससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखा गया है, और रूट को अगर डाइवर्ट करते हैं तो आगे चल के सेफ्टी में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए यही सुटेबल रूट मांगा, उस समय भी डिसाइड किया गया था, और अब इसमें हम लोग काम इसमें चालू करवा रहे हैं, और इसमें रेगुलरली हम लोग ग्रामीण के टच में भी हैं, उनको बताए हैं कि रूट चेंज करने से सेफ्टी इशू हो सकता है भविष्य में, पाइप कम से कम आगे चल के 30 साल 40 साल के लिए कैटर करेगी नीड को, तो ये बहुत आवश्यक है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी को दिया जाए। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो क्या कारण? ग्रामीणों का कुछ इश्यूज था, जैसे कि उनको ये नहीं था, ये लग रहा था कि जमीन हमारी चली जाएगी, तो उनको हम लोग ने बताया कि जमीन के स्वामित्व हमेशा उन्हीं के पास रहेगा, और जैसे ही एक बार पाइपलाइन बीत जाएगी उसके बाद जैसे पूर्व के भांति खेती बाड़ी जो भी हो करना चाहे इसमें कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार गेल या दूसरी किसी कंपनी का जमीन होगा नहीं, ये सब इश्यूज हम लोग उनको बताएं कि जो आपकी आशंकाएं निराधार हैं, तो वो भी समझे हैं, और वो भी अब प्रोटेस्ट जो है लगभग अब ख़त्म हो चुका है। नहीं, देखिए ऐसा है कि विवाद तो पाइपलाइन डालने में होता ही है, किसी की ज़मीन जाती है अपनी तो परेशानी तो होती है, लेकिन उसमें यह है कि बीच में यहाँ हमारा ये गांव जो है 2-3 किलोमीटर का है, जिसमें लोगों को परेशानी थी कि हमारा शिफ्ट कर लिया जाए थोड़ा यहाँ से, तो हम लोगों ने एक बार थोड़ा कोशिश भी की, कलेक्टर साहब ने बोला कि उसको शिफ्ट करो, तो इधर तालाब आता था, तालाब को हम लोगों ने बचाया ताकि गांव के वो रहे। अब लोगों की डिमांड थी कि वो रिवर के साथ साथ लेके जाइए, तो ये गैस की पाइपलाइन है, एक तो रिवर के साथ हम नहीं डाल सकते, दूसरे ये फिर आपस में लोगों ने बोला कि हम रूट बताएंगे, हम लोगों ने वो भी देखा, लेकिन वो रूट जो है आपस में ही लोगों की नहीं बनी, कि पहले बताया था कि हम ज़मीनें दिलवा देंगे, तो वो नहीं हो पाया। फिर एक टेक्निकल टीम आई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से यह हुआ कि फिर से इसको चेक किया जाए, हम लोगों ने फिर से उसको चेक कराया, रूट पूरा दिखा, लेकिन वो सेफ्टी तो यही है जिस ये हम जहाँ से अभी जा रहे हैं, तो अभी फाइनली ये हुआ कि इधर से ही आपको काम करना है, तो हमने स्टार्ट किया आज। ग्रामीणों को क्यों नहीं भरोसे में ले पा रहे हैं? नहीं, ग्रामीणों से देखिए हम लोग हर दिन बैठते हैं उनके साथ, जब भी आते हैं कई बार हम लोग बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे, यहाँ इनके गांव में बैठे, लेकिन उस लोग कुछ आधे मानते हैं, आधे लोगों को थोड़ा वो था कि ये ज़मीन तो कब्ज़ा हो जाएगी आप लेके, अब हमारे नाम नहीं रहेगी, हम लोगों ने उनको भी समझाया ज़मीन आपके नाम ही है, हम सिर्फ काम करेंगे, हमको सिर्फ काम करने का अधिकार है, नीचे 2 मीटर अंदर डाल के जैसा रजिस्ट्रेशन करना है वैसा करके खेती के लायक बना के आपको हैंडओवर कर देंगे, जो मुआवजा होता है सरकारी वो मुआवजा जो है वो हम आपको देंगे, खेती अगर लगी है तो खेती का देंगे, ज़मीन का है तो ज़मीन का देंगे।